हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल लाइफ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंडिया के आईटी इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे कहते हैं। दोस्तों, जो भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कार्य किए जाता है, जैसे कि डाटा स्टोर करना, डाटा एनालाइज करना, डाटा भेजना वगैरह वगैरह, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्री है। और दुनिया के जितने भी बड़े आईटी कंपनीज है उनका एक ब्रांच तो हमारी कंट्री इंडिया में है। चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीप्ज यानी SEEPZ स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो 1973 में बनाया गया मुंबई में, और ये इंडिया का पहला आईटी पार्क है। दोस्तों, यहाँ से इंडिया ने अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की गई इंडिया में, तभी इसे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत बूस्ट हो गई। और 1998 में जब आप देखेंगे तो इंडिया का जो इनकम थी आईटी से वो करीब 1.2% थी, लेकिन आज 2018 में 8% की जीडीपी करीब आईटी से आती है। और दोस्तों, 2017 में आईटी का टोटल रेवेन्यू था करीब $160 बिलियन, और 2020 तक ऐसा माना जा रहा है कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू $200 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के लार्जेस्ट आईटी कंपनीज के बारे में। इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके बाद आती है इन्फोसिस और विप्रो। इन्फोसिस और विप्रो दोनों का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ पे आती है HCL और टेक महिंद्रा, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे और नोएडा में। दोस्तों, बेंगलोर इंडिया का आईटी हब है, जिसमें करीब 35% से ज्यादा इंडिया का टोटल आईटी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें करीब 5000 से ज्यादा आईटी कंपनी है। बेंगलोर के बाद आता है हैदराबाद, और इसके बाद आते हैं चेन्नई, पुणे, मुंबई। दोस्तों, 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद इस इंडस्ट्री का ग्रोथ स्लो हो चुका था, और रिसेंटली क्लाउड सर्विसेज के बूम के बाद आईटी जॉब्स पे बहुत इफेक्ट हुआ है। दोस्तों, 2017 में करीब 40 लाख डायरेक्ट जॉब और 90 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स आईटी इंडस्ट्री से आते हैं। दोस्तों, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम हो रही है, और आप इस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। इसके साथ साथ दूसरे इंडस्ट्रीज भी है जो तेजी से ग्रो हो रहे हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज के बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।